फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान से दोबारा डूमोर का मुतालिबा। पाकिस्तान को 10 निकाती एक्शन प्लान दे दिया, अक्टूबर तक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकने के लिए मुनासिब अमल दरामद करे, हसास नौयत के केसेस की निगरानी बढ़ाई जाए। दुआ करो कि तुम्हारे बाद सदर सरदारी की हुकूमत आती है। सदर सरदारी तो इंतकाम नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ बुज़दिल और बेगैरत ही औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। खान साहब, तुम उतना ही करो जितना खुद बर्दाश्त कर सकते हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर चढ़ाई, कहते हैं इमरान खान दुआ करो आसिफ जरदारी की हुकूमत आए क्योंकि वो इंतकाम नहीं लेता। खान साहब इतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें, बुजदिल ही औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। इमरान खान, आप 70 साल के बूढ़े और मैं जवान हूं, जान दो एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। सर जलसे के वाले से सर बात करेंगे छोटी सी, कैसा रहा जलसा आपने देखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा, माशाल्लाह। आई थिंक गुलाम साहब ने आज द बेस्ट एड्रेस किया है अपने लाइफ में। आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में बिलावल भुट्टो के खिताब की तारीफ, कहते हैं बिलावल ने अपनी सियासी जिंदगी का शानदार खिताब किया है। कौमी असेंबली इजलास, खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सारे वादे याद करा दिए। एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा, वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसर काबिना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये नशा पूरा उतरना चाहिए, ये हैंगओवर जो है पिछले 4-5 साल का कंटेनर का, वो पूरा उतरना चाहिए। जब लोग जो सियासी मुसाफिर हैं चोर दरवाजों से हमारी पार्टियों में आते हैं, लेकिन उनको वो मुकाम ना दें जो पार्टी के लिए रुसवाई का बायस। हम कोई बात करें तो उसका मतलब जो है कुछ और लिया जाता है, और वो समझते हैं कि पता नहीं इल्ज़ाम लगता है कि NRO मांग रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कि रोल तो गए हैं पर चस बड़ी आई है, वो रोल भी गए हैं लेकिन उनको चस भी नहीं आई। ख्वाजा आसिफ का भी जारहाना अंदाज, कहा कंटेनर के नशे में आने वाली हुकूमत का नशा उतरना चाहिए। लोगों का चोर दरवाजों से आना लम्हे फिक्रिया है, कुछ लोग रुल तो गए हैं मगर उनको चस भी नहीं आई। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी बजट पर नाला, MQM पाकिस्तान ने बजट की मुखालफत कर दी। बजट पर नजर सानी ना हुई तो सड़कों पर आ सकते हैं खालिद मकबूल सदीकी की धमकी। आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, तो उसको तो हम छोड़ेंगे। मसला अब है टैक्स की चोरी का। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। मैं आपके लिए एक स्कीम लेके आया हूँ, इस स्कीम से आपको मौका मिलता है, एसएसए या बैंक अकाउंट्स है, इन सबको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आपके पास सुनहरी मौका है। कौम मिलके गवर्नमेंट के साथ ये फैसला नहीं करेगी कि हमने ये मिलके इस कर्जों की दलदल से निकलना है, हम नहीं निकल सकते। एसएसए डिक्लेयर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से अपील, कहते हैं करप्शन करने वालों को तो छोड़ना ही नहीं, अब टैक्स चोरों के पीछे भी जाएंगे। अगर बात तरले मिन्नतों पर आ गई है तो फिर ना ही समझें। इमरान साहब आवाम को बताना था कि आपकी एमनेस्टी फेल हो चुकी है, सिर्फ अलीमाबादी और फैसल बावड़ा अपने मजीद 11 कानूनी असासे डिक्लेयर करेंगे। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द अमल।
गरीब के लिए घाटा ही घाटा। नए पाकिस्तान में आटा भी महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 20 रुपए महंगा, नई कीमत 800 रुपए हो गई। चीनी 2 रुपए फी किलो महंगी, घी भी 5 से 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मैदे की बोरी की कीमत 100 रुपए बढ़ गई। पिशावर का शाहकार मेट्रो बस मंसूबा ब्लंडर्स का अंबार। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने मंसूबे में बेकायदगियों पर मोहर सख्त कर दी। कॉन्ट्रैक्टर को दी गई रकूम में बेकायदगियां की गई। पीडीए ने एशियाई तरक्याती बैंक की हिदायत को नजरअंदाज किया। PC1 में बार बार तब्दीलियां की गई। मंसूबा 30 जून की डेडलाइन पर भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद दो रोजा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमीर कतर को JF-17 थंडर तैयारे सलामी देंगे। वजीर आजम इमरान खान अमीर कतर का इस्तकबाल करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। भाई भाई आप ऐसे मोटे क्यों हुए? बड़े मोटे हुए, बड़ा नाम पाकिस्तान का रोशन किया आपने। मोटे कम डाइट क्या करो। और लंदन में सरफराज अहमद से पाकिस्तानी नियाज शख्स की बदतमीजी। कौमी टीम के कप्तान को खानदान के सामने बुरा भला कहा गया। सरफराज अहमद पहले गुस्से में आकर खड़े हुए, फिर चले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सरफराज की हामी भी मैदान में आ गए। हैं किस तरह ये तहफ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, काफ लीग कितनी देर इत्तेहाद का हिस्सा बनी रहेगी, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दारोमदार बहुत हद तक काफ लीग पर भी मौजूद है। इस पर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सेनेट कमेटी बराए खजाना की, जिसने बजट को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने से भी बच गया, क्योंकि कुछ मजबूत दोस्त उसके मौजूद थे और इस तरह पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी वो काम आ गई। रेलवे की अगर बात करें तो गुज़श्ता रोज जो अफसोसनाक हादसा पेश आया, उसके बाद बहुत से तनकीद उठ रही है शेख रशीद साहब पे, और ये कहा जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से कि जब से उन्होंने रेलवे का महकमा संभाला है हादसात बढ़ते जा रहे हैं और इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी खासी तनकीद हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शेख रशीद साहब खुद बहुत दफा ये कह चुके हैं कि उनकी महकमे की कारकर्दगी बहुत हद तक बेहतर हुई है, लेकिन उन्होंने इस वाक्य पर कौम से माफी भी मांगी है। इस पर भी हम बात करेंगे। आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अद्वियात की कीमतों में 200% तक इजाफा हुआ है और कहा जाए कि अब गरीब के लिए बीमारी भी महंगी है, इलाज भी महंगा है, दवाइयां भी महंगी है। किस तरह ये कीमतें बढ़ाई गई, क्यों इन दवाइयों की कीमत 200% तक इसमें इजाफा किया गया, ये मामला दवाइयों का बहुत अरसे से चल भी रहा था, बहुत हद तक इसमें अपोजिशन की जानिब से भी तनकीद हुई, अवाम का रद्दअमल भी आया, वज़ीर आज़म ने खुद भी नोटिस लिया, लेकिन क्या वजह है कि दोबारा से इन अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं? इस पर हम बात करेंगे और हम जिक्र करेंगे और याद करेंगे आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को, जिनकी आज 66वीं सालगिरह है। उनकी जदोजहद को कुछ हद तक सलाम पेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसी लीडर दुनिया में दोबारा पैदा नहीं होती। अपनी गुफ्तगू का आगाज अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़्ज़ियाकार और सहाफ़ी खुशनूद अली खान साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर सिंध रफीक भुट्टो साहब, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे तज़्ज़ियाकार जावेद इकबाल साहब। कुछ मौसम सियासत का सर ऐसा बन गया है कि मुलाकातें हुकूमत की बढ़ती जा रही हैं, और ये जो काफ लीग के साथ धड़ाड़ों की खबरें आ रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब मैं आपको 3-4 दिन लगातार दे चुका हूँ। हाँ, वो इशारे तो आपने बहुत दिए। मैं ये समझता हूँ हुकूमत नहीं, निज़ाम जा रहा है। ठीक है। और अब हुकूमत नहीं, बाज़ मामलात में शायद रियासत रिएक्ट करेगी। और रही काफ लीग, तो देखिए काफ लीग जो है ना, वो क़यादत के लिए चौधरी शुजात या परवेज़ की तरफ देखती है, वो इमरान खान की तरफ नहीं देखती। और जब उन्होंने उधर देखना है तो वो ये भी देखते हैं कि अच्छा किसका पल्ला भारी है। मैं आपको बताऊं, चौधरी साहिबान के हमेशा रबते बहुत अच्छे रहे हैं, और
وہ اگر ایک وزارت مانگ رہے ہیں اور ایک وزارت دے کے حکومت قائم رہتی ہے تو حکومت کو اس میں لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر ایم کیو ایم مانگ رہی ہے تو اس سے کام نہیں لینا چاہیے. لیکن میں اگر پچھلی ساری باتوں کو اور آپ کے سوال کو بھی سمیٹوں تو میں کہتا ہوں کہ بہت خوفناک رگڑا لگنے والا ہے. اچھا قطع کلامی کی بات چاہتا ہوں, یہ جو نظام کی تبدیلی کے اشارے آپ میں دیکھ رہی ہوں, دو تین ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں آپ کہیں نہ کہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مزید آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی, کیا عمران خان صاحب ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ تبدیلی ہونے والی ہے, بچانے